हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। वेल, सलमान खान फाइनली अब थ्रोबैक में जाने वाले हैं, लेकिन रियल में। एनी गेसेस? वेल, सलमान खान की फिल्म ऑफकोर्स दबंग आने वाली है। भारत तो है ही ऑन द वर्ज ऑफ यू नो गेटिंग रिलीज, लेकिन दबंग भी बहुत जल्द आने वाली है, यानी कि दिसंबर में इसी साल। एनी हाउ, फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी जाएगी और फिर दबंग आएगी, लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सलमान खान को दबंग यानी चुलबुल पांडे के अवतार में देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आकर रुक गई हूँ आपको एक गॉसिप देने के लिए, जो कि है सलमान खान के यंग लुक से रिलेटेड। जी हाँ गाइज, अभी भारत फिल्म से एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था कुछ ही दिनों पहले, जिसका नाम था स्लो मोशन सॉन्ग। जी हाँ, मुझे गाना बड़ा पसंद है। स्लो मोशन सॉन्ग जिस तरीके से रिलीज हुआ था, काफ़ी लोग चकाचौंध हो गए थे सलमान खान के एक अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ यंग अवतार को देख के। नो डाउट कि सलमान आज भी उतने ही यंग, हैंडसम और जवान दिखते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग ही लेवल की यंगनेस सलमान खान के यू नो फेस पे नजर आ रही थी। वेल, अभी तक आपने शाहरुख खान को यंग अवतार में देखा है CGI के यूज़ के थ्रू। जी हाँ, CGI प्रोस्थेटिक्स और तमाम ग्राफिक्स की टीम जो होती हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आजकल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हद तक यू नो यंग दिखने लग जाते हैं, और ग्राफिक्स में, एडिटिंग में इस चीज़ को बहुत बखूबी यूज़ किया जाता है। वेल, आपने शाहरुख खान को तो देख ही लिया, अब आपके भाईजान सलमान खान को भी इस अवतार में देखने के लिए बहुत जल्द रेडी हो जाइए। जी हाँ, ऑफकोर्स प्रभुदेवा की फिल्म आने वाली है, जो कि है दबंग, जिसमें सलमान खान है, सोनाक्षी सिन्हा है। उसमें प्रभुदेवा चाहते हैं पूरी कन्विक्शन के साथ ये दिखाया जाए किस तरीके से सलमान खान ये चुलबुल पांडे का पास्ट दिखाया जाएगा, जिसमें वो इक्वली यंग लगने चाहिए अभी के कंपैरिजन में। जी हाँ, तो उस चीज़ को कन्विक्शन के साथ फैंस तक पहुँचाने के लिए, ताकि फैंस को इस बात की ज़रा भी तकलीफ ना हो कि वो पास्ट में गए तो गए कैसे, और साथ ही साथ सलमान बिल्कुल सेम टू सेम नजर आए जैसे वो पास में नजर आ रहे थे। इन चीजों के लिए CGI, जी हाँ, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके यूज के थ्रू आप जवान दिख सकते हैं। सो जितने भी फैंस हैं सलमान खान के, वो फटाफट से खुश हो जाओ, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सलमान खान वापस से अपने यंग, डैशिंग, हैंडसम अवतार में नजर आने वाले हैं, वो भी दबंग 3 में। वेल, भारत तो बहुत जल्द रिलीज होने ही वाली है। भारत में आपने एक सॉन्ग में सलमान खान की एक एक्स्ट्रा यंग झलक देख ही ली, लेकिन दबंग में एक पूरा का पूरा सेगमेंट होने वाला है जहां पर सलमान खान आपको एक डिफरेंट अंदाज में नजर आएंगे। वेल, कितना ज़्यादा इंतजार करो दबंग के लिए, वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट्स करके मुझे बताओ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जी हाँ, कमेंट्स तो करो ही करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। वेल, बहुत जल्द भारत रिलीज होने वाली है, जून में फिल्म आने वाली है, लेकिन दबंग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भाईजान के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, इस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लग रही है सलमान खान को परफेक्ट और साथ ही साथ एक्स्ट्रा यंग दिखाने के लिए, यानी कि थ्रो बैक में ले जाने के लिए। सो वीडियो कितना पसंद आया हो, और साथ ही साथ और क्या कहना चाहते हो भारत के बारे में, साथ ही साथ दबंग के बारे में क्या कहना चाहते हो, सारी बातें करो कमेंट सेक्शन में मुझसे। दिस इज ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।